हेलो फ्रेंड्स, मैं लवलेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारे चैनल एल के बिजनेस आइडिया। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपके घर में बच्चे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो उनके लिए आप एक 250 रुपये का खाता खुलवा के 60-65 लाख रुपए तक आप उसमें से ले सकते हैं। वो कैसे, तो उसके लिए सरकार ने एक योजना लॉन्च करी है, सुकन्या समृद्धि योजना। काफ़ी अच्छी योजना है, 2014 से लॉन्च की गई है और काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस योजना के बारे में। तो मैंने कहा आपके लिए एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बता देता हूँ कैसे आपको इसमें खाता खुलवाना है और कैसे आपको इसमें आप बच्चों के लिए खाता खुलवाने हैं। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि जो योजना है 2014 से जब से लॉन्च की गई है, तो इसके जो खाते आपको खुलवाना पड़ेंगे, अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो या कोई भी आपकी कमर्शलाइज बैंक हो, उसकी कोई भी शाखा हो बैंक की, वहां पे भी आप खाते खुलवा सकते हैं। और सबसे अच्छा है, ये खाता 250 रुपए से खुल जाता है। मीन्स आपको जिस साल आप खाता खुलवाएंगे तो उस साल आपको 250 रुपए जमा करने और फिर 100 के इंटू में, माने 500, 600, 1000, 2000, जो भी आपको मंथली आपको डिपॉजिट करना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। मीन्स इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में, माने एक साल में आपको मिनिमम 250 जमा कर सकते हैं और साल में अधिकतम आप 1.5 लाख तक इसमें जमा कर सकते हैं। और जो जमा की हुई रकम है, इस पर आपको इनकम टैक्स में छूट भी मिलती है, तो इसमें आपको डबल बेनिफिट मिल जाता है। और साथ जब इसकी मैच्योरिटी आएगी तब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उसमें और अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बस इसमें आपको एक बच्ची के लिए एक ही खाता खुलवाना है, आप एक बच्ची के लिए दो या तीन खाते नहीं खुलवा सकते हैं। और किसी कारणवश यदि आप इस योजना में, मान लो साल में आपने पैसे नहीं भर पाए, मीन्स 250 रुपये भी नहीं भर पाए आपने, तो नेक्स्ट ईयर जब आप भरेंगे तो उसमें 50 रुपये ईयर के हिसाब से पेनल्टी इसमें लगती है। जैसे आप इसमें 1,20,000 का, मान लो सपोज कर 10,000 रुपये पर मंथ की स्कीम आप लेते हैं, तो 1,20,000 रुपये सालाना होता है और आपने पूरे 1,20,000 या तो एक मुश्त भरते हैं या आप बीच में पार्ट में भी भर सकते हैं। और यदि आपने नहीं भरा है तो नेक्स्ट ईयर आप 50 रुपये की पेनल्टी के साथ में 1,20,000 भर सकते हैं। और इसमें एक और अच्छा है कि आपका, जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपये साल भर रहे हैं या 1,20,000 रुपये साल भर रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं किसी साल में हमें 1.5 लाख तक भरना है, तो आप 1.5 लाख भी इसमें जमा कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है और इसमें आपको सिर्फ 18 साल तक ही आपको अमाउंट भरना है। 18 साल तक जो आप पैसा भरेंगे उसमें आप 18 साल के, माने जैसे ही आपके 18 साल का लास्ट अमाउंट भरेंगे, उसके बाद आप इसमें 50% अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या किसी और अन्य कारण के लिए आप इसमें से निकाल सकते हैं। और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा आपका, वो आप 21 साल में आप फुली फुल मैच्योरिटी ले सकते हैं। यदि आप 18 साल में नहीं लेते हैं पैसा, तो और यदि आप 10,000 रुपये माने महीना, मीन्स 1,20,000 रुपये सालाना आप जमा करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो पैसा जमा होता है वो 20 लाख के आसपास होता है 18 साल में। और आपको इसकी जो मैच्योरिटी मिलती है वो लगभग 60-65 लाख के बीच में मिलती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से डरते हैं, या आपके पास ऐसा कोई साधन नहीं जहाँ निवेश कर सकते हैं और आपके घर में बच्ची है, तो आप इसमें जरूर निवेश करिए, काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।